सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के अवसर पर मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कांटी प्रखंड मुख्यालय के रातल मैदान में सुबह से शाम तक गरीब गुरबा एवं राजद कार्यकर्ताओं के लिए भोजन का भंडारा किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम गरीब असहाय दलित विकलांग व मजदूरों को भोजन कराया गया। भोजन में दाल चावल सब्जी एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था किया गया था। इस मौके पर हैदर आज़ाद ने बताया कि गरीबों की मसीहा लालू यादव का जन्मदिन गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में गरीब मजदूर विकलांग महिलाएं एवं पुरुष को भोजन कराया गया। जैसे कि आप कैमरे के जरिए अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले अभी प्रकाश न्यूज लाइव के द्वारा दिखाया जा रहा है और वहां पर प्रखंड के अध्यक्ष भी मौजूद है, जैसे कि कैमरे के जरिए आप देख सकते हैं इसमें। और वहां पर आगे उन्होंने क्या कहा पूर्व राजद प्रत्याशी मोहम्मद हैदर आज़ाद, आइए सुनते हैं। दलित शोषित पीड़ित अकलियत पिछड़ा अति पिछड़ा गरीब गुरबा के नायक महानायक जन जन के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 73वें जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना देते हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र की महान जनता की ओर से। और मैं कामना करता हूं इस वर्ष से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आयु लंबा हो और उनके ही देखरेख में हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव जीते और हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बने और मुख्यमंत्री बने। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ, जो आज के परिवेश है, जो आज के दिन हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि आज हम केक नहीं काटेंगे, जश्न नहीं मनाएंगे, आज के दिन गरीब सम्मान समारोह के रूप में मनाएंगे, गरीब के भोजन कराएंगे। जहां एक तरफ एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार 73,000 से लेकर 75,000 तक एलईडी लगाकर करोड़ों रुपया बहा दिया देश के, वहां पर हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने जो निर्णय लिया कि हमारी पार्टी कोई केक नहीं, कोई समारोह नहीं, हम गरीब सम्मान समारोह कराएंगे, गरीब को भोजन कराएंगे। पूरे बिहार में 72,000 से लेकर 1,00,000 तक गरीब को भोजन कराने का काम हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। इस कोरोना महामारी में हमारी पार्टी बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम प्रदेश अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देते हैं, श्री तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देते हैं पार्टी की ओर से हम लोग। और दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं, जो आने वाला दिन है, नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, आँख खोल के सुन लीजिए, या बिहार की जनता आपको बकसने नहीं जा रही है। आप जो ये काम कर रहे हैं कोरोना महामारी के रूप में जो आया है, उसमें जो आप जनता को ठग रहे हैं, कहीं किसी को राशन नहीं मिल रहा है, नहीं समय पर पैसा मिल रहा है, लेकिन आप लगातार आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं, ठग रहे हैं। 2020 के चुनाव में आपको ये महान जनता सबक सिखाएगी। जो हमारे ही राज्य के दूसरे जगह जो प्रदेश में चले गए, जो लेबर मजदूर खट के आए हैं, जिसको प्रवासी लोग कह रहा है, वो प्रवासी नहीं है, हमारे ही भाई भतीजा है, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी सही से न काम मिल रहा है यहाँ, फिर वापसी के तरफ जा रहे हैं दूसरे जगह, डर डर के ठोकर खा रहे हैं। हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि उनके रोजगार की व्यवस्था कीजिए। जो हमारा यूपीए सरकार था केंद्र में, आदरणीय लालू यादव जी उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री थे वहाँ, और रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने जो मनरेगा का योजना लाया, उस मनरेगा में इतना काम है, आप मजदूरी दीजिए, यहाँ पे सबको जॉब कार्ड भी खोलिए, तो कहीं किसी का कोई काम से वंचित नहीं रहेगा, सबको काम लगेगा। चुनावी वर्ष और उनका जन्मदिन है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे यही
कि जितने भी बिहार के गरीब गुरबा है सब लोग एक तरफ हो गया है, और एक तरफ होकर इस बार नीतीश कुमार के सरकार और छोटा मोदी सुशील कुमार के सरकार को उखाड़ फेंकेगा और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, ऐ केंद्र सरकार के लोग, बिहार सरकार के लोग, वर्चुअल रैली नहीं कीजिए, वर्चुअल सर्वे कराइए जमीन पर, किसको राशन मिला, किसको नहीं मिला, किसको कार्ड है नहीं है, किसको पैसा खाता में गया नहीं गया, इसका वर्चुअल सर्वे कराइए। जो श्रमिक हमको बाहर से आए हैं उसको काम कैसे मिलेगा उसका सर्वे कराइए। आप वर्चुअल सर्वे करा के वोट में चले गए, जनता को भगवान भरोसा छोड़ दिए। ये कोरोना महामारी में सारी जनता, बिहार के जनता देख रही है, आपको सबक सिखाएगी। बताइए कहीं कुछ नहीं इलाज हो रहा है, बीमारी चरम सीमा पर बढ़ रहा है, आप चुनाव के तैयारी में लग गए, उसके लिए भी कोई बात नहीं है। हमारे गरीब गुरबा जनता जो लालू यादव के मान सम्मान के सहने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, वो सब लोग तैयार हैं, आपको सबक सिखाएगा। मैं एक तरफ, फिर अंत में हार्दिक अभिनंदन शुभकामना देते हैं आदरणीय लालू यादव जी के, और दीर्घायु हो और लंबी उम्र हो, और बिहार के गरीब गुरबा दलित शोषित पीड़ित अकलियत के दिल के धड़कन है, वो रहे तभी ये सब कुछ जाके फिर हम लोग को राज लौटेगा। बस इतना ही मैं कहता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, रघुवंश बाबू जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, जगतानंद सिंह जिंदाबाद, और कांटी विधानसभा की महान जनता जिंदाबाद।